अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मोहतरम नादरीन, मैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के सामने खड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान शुरू होने वाला है और आप जानते हैं कि लॉकडाउन की इस घड़ी में और माह रमज़ान के मौका पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ हैं। किसी के पास खाने पीने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर की तरफ से इस मौका पर एक कोशिश की गई, तकरीबन 500 से ज़ायद लोगों को राशन दिया जा चुका है। अभी हमारे सेंटर की एम्बुलेंस खड़ी है जो कुछ मिनटों में बहरामबाग के लिए रवाना होगी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अभी भी 50 लोगों का राशन रखा गया है, जिसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसमें जो राशन का सामान हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा रहे हैं। तो इसमें ये देखिए दाल वगैरह है और ये चावल है, तेल है, चना है, इसी तरह से वटाना है और फिर ये खजूर है। ये सोच करके राशन दिया जा रहा है और ये बेसन है जो आप देख सकते हैं। तो कोशिश ये है कि माह रमज़ान में कम से कम लोगों को दुश्वारियों का ज़्यादा सामना ना हो। तो यही चंद बातें थी जो आपके सामने मैं रख रहा था। इसके अलावा 5 किलो आटा भी है जो दूसरे पैकिंग में है। तो आप भाइयों से दरख्वास्त है कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस माह रमज़ान के मौका पर हमारे इस इदारा इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि हम अपने दावती सरगर्मियों के साथ साथ अपने इस रिफाही काम को भी, खिदमत खल्क को भी अच्छे और बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की नेकियों को अल्लाह ताला कबूल फरमा और ये जो परेशानी है, जो मुसीबत है, इस वक्त बीमारी का सामना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा और जो लोग भी इसमें बीमार, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला व आजिला अता फरमा। आमीन तकब्बल या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।